Hello students, today we are going to study about our next chapter, our solar system. Our solar system is made up of 8 planets and Earth and the Sun. We live on the planet Earth. Our Earth is one of the 8 known planets and is a member of a large family in space. This family of Sun is known as solar system. In this chapter, students, you are going to study about Sun and its 8 planets and other heavenly bodies, and about Moon and other satellites of the planets. Let's study about our solar system. The central part of the solar system is our Sun. Sun is the main part of our solar system. It is a huge sphere of hot gases. ये बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है और इसको हम बिग बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं. इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. इसलिए क्योंकि इसकी अपनी हीट एंड लाइट है तो हम इसे ल्यूमिनस बॉडी भी कहते हैं. जिन चीज़ों की अपनी हीट एंड लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मासिव. जितना हमें ये स्मॉल दिखता है मॉर्निंग में, ये उतना स्मॉल नहीं है. ये हमारी अर्थ से कई टाइम बिग है. इट क्योंकि ये हमसे बहुत डिस्टेंस पे है इसलिए ये हमें स्मॉल दिखाई देता है. सन जो है ये हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. इसकी जो एनर्जी है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. इसकी हीट एंड लाइट एनर्जी जो है ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि इसके बिना हमारी अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. हमारी अर्थ पे जो प्लांट्स हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो वो अपना लाइट एनर्जी जो है वो सन से ही लेते हैं. सो अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी. सोलर एनर्जी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि सोलर गीजर, सोलर हीटर, सोलर कार्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सोलर वॉचेस आल्सो. यहाँ तक कि जो सैटेलाइट्स आपके जो जाते हैं मून पे, दे आर आल्सो यूजिंग सोलर energy for their functioning. हमने remote areas में solar lights भी लगाई हैं. Now let's talk about the other celestial bodies in the solar system. These celestial bodies which revolve around the sun, they are known as planets. Planets जो हैं वो celestial bodies हैं जो sun के आसपास revolve करती हैं. इनका जो orbit है वो elliptical orbit होता है. ये जो research है ये हमारे well known scientist John Kepler ने किया था कि हमारी जो earth है वो एक जो है सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है सन के आसपास. अब हम सबसे पहले अपने प्लैनेट मर्करी के बारे में पढ़ेंगे जो कि सन से डिस्टेंस में सबसे फर्स्ट प्लैनेट है. मर्करी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन के सबसे नज़दीक है. इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट. इसको बुध कहते हैं हिंदी में. इसका जो सरफेस है वो ड्राई है और बहुत ज़्यादा हॉट है, मगर यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है.
मरकरी के आसपास, जिसकी वजह से मरकरी जो है डे टाइम में बहुत हॉट होता है क्योंकि वो सन के पास है, लेकिन नाइट में बिल्कुल एडवर्स कंडीशंस होती हैं। नाइट में वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत लो चला जाता है, इस पे सन की हीट एंड लाइट सबसे ज़्यादा आती है। मगर ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं कह सकते हम इसको। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है वीनस। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है, इसको हम शुक्र भी बोलते हैं हिंदी में। वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इस पे जो सन की हीट एंड लाइट है वो सबसे ज़्यादा आती है। ये जो है सन से सेकंड नंबर पे है डिस्टेंस में, तो लेकिन इसका जो इसके आसपास एटमॉस्फेयर भी है। ये जो प्लैनेट है इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स देखे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप में जो है हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से सन की हीट जो उसके ऊपर पड़ती है वीनस के ऊपर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, जिसकी वजह से वीनस का टेम्परेचर जो है वो डे टाइम में भी सीवियरली हॉट होता है और नाइट में भी इक्वली हॉट होता है। मरकरी और वीनस को हम अपनी अर्थ से देख सकते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है अर्थ से, तो वी कैन सी देम विद नेकेड आइज। थर्ड प्लैनेट यानी कि अर्थ, अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं हिंदी में। ये हमारी हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो ओनली लिविंग प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस पे वाटर है, और जब हम सैटेलाइट से इसकी पिक्चर्स लेते हैं तो इस पे वाटर ज़्यादा होने की वजह से ये इसका कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है और बाकी प्लैनेट्स की तरह ये भी अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है। सन के आसपास रिवॉल्व करने को में के लिए अर्थ को 365.14 डेज लगते हैं, और अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। जब अर्थ सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही होती है यानी कि 365.14 डेज में, तो उसको हम वन ईयर भी बोलते हैं। इस रेवोल्यूशन की वजह से ही अर्थ पे सीजन्स में चेंज आता है यानी कि विंटर्स और समर्स। लेकिन अगर हम डे एंड नाइट की बात करें तो डे एंड नाइट अर्थ पे उसकी रोटेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो जो सरफेस उसका सन के सामने होता है वहाँ पे डे होता है, और जो फेस उसका सन के बैक साइड पे होता है दैट उस साइड पे शेडो होती है यानी कि ब्लैक होता है, और वहाँ पे हम बोलते हैं नाइट है। तो अर्थ जो है वो 24 आवर्स में, इसीलिए एक हमारे अर्थ डे एंड नाइट होते हैं। अर्थ जो है उस पे लाइफ होने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके आसपास एटमॉस्फेयर है जो जिसमें सभी गैसेस जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, इनका जो प्रोपोर्शन है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ पे जो लाइफ है वो है राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स। मार्स को हम जो है मंगल भी बोलते हैं, और ये रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो सरफेस है, जो सॉइल है वो आयरन रिच है, तो इसलिए जब इसकी पिक्चर्स ली जाती हैं सैटेलाइट से तो वो रेड कलर का दिखता है।
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों ही प्लैनेट्स जो हैं इनके इनमें से मरकरी और वीनस के दोनों के अपने सैटेलाइट्स यानी कि अपने मून नहीं हैं, मगर अर्थ का एक मून है और मार्स के दो मून हैं। इन चारों प्लैनेट्स को, मरकरी, वीनस और अर्थ मार्स को, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो सरफेस है वो अर्थ की तरह ही रॉक्स से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, यानी कि हार्ड सरफेस। इसके बाद जो चार प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये चारों ही प्लैनेट्स जो हैं ये गैसेस से बने हुए हैं। इनका जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है। यू कैन नॉट गो देयर एंड स्टैंड देयर। इन प्लैनेट्स को हम जूवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जुपिटर के। जुपिटर जो है वो सन के 5th नंबर पे प्लैनेट है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और इसके आसपास बहुत सारे मून्स हैं। जुपिटर जो है इसके आसपास सेवरल रिंग्स भी देखने को मिलती हैं। सैटर्न के आसपास भी रिंग्स होती हैं लेकिन इस जुपिटर की जो रिंग्स हैं वो फेंट हैं। उनके आसपास जो रिंग्स हैं वो डस्ट है, उसमें आइस है। तो जो जुपिटर है वो 4th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है स्काई का। दीज आर द मून्स ऑफ जुपिटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सैटर्न। सैटर्न जो है वो हमारे अर्थ से 6th नंबर पे है। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और इसके आसपास ब्यूटीफुल रिंग्स देखने को मिलती है, इसलिए इसको रिंग्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम है और अराउंड 53 से ज़्यादा मून्स हैं जो सैटर्न के अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ द मून ऑफ द सैटर्न। नेक्स्ट वी कम टू द आवर नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज़ यूरेनस। यूरेनस जो है वो सन को ऑर्बिट करने वाला 7th प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइस जाइंट। इसका दूसरा हिंदी नेम है अरुण। इसके आसपास भी रिंग्स देखने को मिलती हैं। ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ गैस जाइंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। इसके आसपास 27 मून्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर लास्ट प्लैनेट, दैट इज़ नेपच्यून। नेपच्यून जो है हमारा 8th प्लैनेट है, फार्दस्ट नोन प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जिसकी वजह से ये आइस जाइंट भी कहलाता है। इसका हिंदी नेम है वरुण। इसको विंडी प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट विंड ब्लो करती है इसके सरफेस पे। तो इसके 14 मून्स हैं और ये जो प्लैनेट है इसके 6 रिंग्स भी देखे गए हैं। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इस तरह के गैसेस से बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव कम टू नो अबाउट द प्लैनेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हम उनको बोलते हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। लेकिन सैटेलाइट्स किसे कहते हैं? सैटेलाइट्स हम उन हेवनली बॉडीज़ को बोलते हैं, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती हैं। दे आर नोन एज सैटेलाइट्स। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं ये नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाती हैं, लेकिन ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द साइंस हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाए हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। वो भी हमारे प्लैनेट्स के आसपास जो है वो ऑर्बिट करते हैं जो, और हमारे को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं वो सेंड करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स में हम बात करेंगे हमारे मून के बारे में। मून जो है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और आप इसको रात को देखते हो जब, तो ये किस तरह से वाइट लाइट से शाइन कर रहा होता है। लेकिन इन सैटेलाइट्स की अपनी लाइट नहीं होती, इन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, इन सैटेलाइट्स की अपनी लाइट होती,
नहीं होती। लाइट किसकी है? सिर्फ सन ही है, वो ल्यूमिनस बॉडी है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। तो अगर हम बात करें मून की, तो मून जो है वो सन हमारे को ईस्ट से वेस्ट की ओर की तरफ जाते हुए दिखता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। नाउ वी टॉक अबाउट मून। देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट मून। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून पे जो है वाटर नहीं है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पे जो हमारा वेट है वो 1/6 हो जाता है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल भी कम है। ये हमारे अर्थ से कुछ 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और इस ये हमारी अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है। इट टेक्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज टू कंप्लीट 1 revolution। आप डेली में जब मून को देखते हो तो मून जो है वो स्फेरिकल बॉडी नहीं दिखता, वो एक अपनी शेप्स चेंज करता है। मून अपनी शेप्स जो हैं वो इसलिए चेंज करता है क्योंकि मून की अपनी हीट, अपनी लाइट नहीं होती है। जब वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जैसे वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है तो उस पर जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न के हमारी को मून की अलग अलग शेप्स दिखती हैं। यू कैन सी न्यू मून डे पे हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सन और अर्थ के बीच में होता है। तो उसका जो लाइटेड पोर्शन है वो सन की तरफ होता है और जो डार्क पोर्शन है वो अर्थ की तरफ होता है। स्लोली जो है उसका लाइटेड पोर्शन हमें हमारे को विजिबल होना शुरू हो जाता है कुछ एक डेज के बाद, और फिर वो हमें हाफ मून, फिर उसके बाद वो फुल मून की तरह दिखता है। फुल मून में हमारा जो सन है और मून है उसके बीच में अर्थ होती है। देन स्लोली वी सी दैट उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगेन इट बिकम्स हाफ मून एंड देन इट वन डे कम्स व्हेन द मून इज़ अगेन नॉट विजिबल। उस दिन को हम न्यू मून डे या अमावस्या बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो हमारी प्लैनेट पे हमने भेजे हैं, ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारे को कम्युनिकेशन में, ट्रांसमिशन में, रेडियो टेलीफोन सिग्नल्स, टेलीविजन सिग्नल सेंड करने में, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। वहाँ से ये हमें पिक्चर्स सेंड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो था स्प्यूटनिक। ये सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्टा। इट वाज लॉन्च्ड इन 1975। दीज आर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर आइदर रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। This asteroid belt is found between the Mars and the Jupiter. There are other heavenly bodies like comets, which you will read in your higher class. Thank you. Your tour for solar system is finished. Hope you have liked the video and you have understood all the basic concepts about solar system. Stay tuned, stay connected, comment if you want to know any other facts about solar system.
इफ़ यू नो एनी फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन।